हाय, मैं हूँ जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नई चीज़ सी दिखाऊंगा, जो है आप लोग जो यूज़ करते हो ट्रू कॉलर। तो बहुत अभी तो ट्रू कॉलर यूज़र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं ट्रू कॉलर के लिए एक ट्रिक है जो ट्रू कॉलर पे आप पहले अपने फ़ोन नंबर और नाम दे के रजिस्टर करते हो, तो वही चीज़ हाइड कैसे कर सकते हो ट्रू कॉलर से, कैसे अपने नाम और नंबर को, नंबर तो रह जाएगा, नाम नहीं दिखाए, शो नहीं करेगा, जो आपकी डिटेल्स आईडी शो नहीं करेगा सियादस के फ़ोन पे। तो वही चीज़ आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा कैसे करना है। तो ट्रू कॉलर पे आने के बाद आपको जो ऊपर दिख रहा है थ्री लाइन पे आने के बाद आपको जाना है लास्ट ऑप्शन सेटिंग, एंड फिर से लास्ट ऑप्शन अबाउट, और फिर से लास्ट ऑप्शन डीएक्टिवेट अकाउंट। पहले आपको इधर से डीएक्टिवेट अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट हो चुका है आपका अकाउंट, तो आपको अब जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और क्रोम ब्राउज़र पे आपको URL सर्च करना है, ये वाला जो है truecaller.com/unlisting, यही URL सर्च करना है आपको। यही URL सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपके फ़ोन पे मोबाइल का पेज भी आ सकता है, आपको इसका 3 डॉट ऑप्शन पे जाने के बाद रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हो आपके फ़ोन में, यदि नहीं आ रहा है डेस्कटॉप पेज। तो आपको अपना इधर अपना फ़ोन नंबर देना है जिस अकाउंट से आप ट्रू कॉलर पे लॉगिन हुए थे, तो मैं अपना दे रहा हूँ। उसके बाद आई एम रोबोट, कुछ वेरिफिकेशन होगा। आपको इधर जो अपना फ़ोन नंबर डालना है, इसके पहले अपना कंट्री कोड दे देना है जो +91, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना, उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे वेरीफाइड होके अनलिस्टिंग फ़ोन पे आपको क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन दिखाएगा, उसके बाद अनलिस्ट फ़ोन नंबर आपको करना है। तो आपको ये 24 आवर्स के अंदर आपको ट्रू कॉलर से आपका नाम को हटा दिया जाएगा। इधर लिखा रहा है, देखिए 24 आवर्स के अंदर आपका नाम हटा दिया जाएगा ट्रू कॉलर से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक, और शेयर करना प्लीज़, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।